अंक 13 सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि न नहि एव कुर्वन् कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि माताएं सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से सन्यस्य त्याग कर आस्ते रहता है सुखम सुख में वशी संयमी नवद्वारे नौ द्वारों वाले पूरे नगर में देही देहवान आत्मा न नहीं एव निश्चय ही कुर्वन करता हुआ न नहीं कारयन कराता हुआ अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है।
अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार है। नव द्वारे पुरे देही हमसो लेलायते बहिहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर नौ द्वारों, दो आँखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धा अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में हम पद्धति सर चर्चा कर रहे हैं, श्लोक क्रमांक 13 पे पहुंचे हैं। बहुत शोर है आवाज। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है वो अपने शरीर को शुद्ध करता है। तो मैंने पिछली बार प्रवचन में बताया था कि कैसे एक भक्त जो है अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को शुद्ध करके केवल वो भगवान के लिए कर्म करता है। और इस प्रकार से जब वो भगवान के लिए कर्म करता है तो उसका इस जगत में बंधन नहीं होता है, ये मैंने बताया था। अभी भगवान यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ पे शब्द आया है संन्यासस्ते सुखम वशी सर्व कर्माणि मनसा। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जब कर्म करने की मिथ्या अहंकार, ये मिथ्या अभिमान जब वो त्याग देता है, शांति से बैठिए, तो जब हम इस मिथ्या अभिमान को त्याग देते हैं कर्म करने की कि मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे कर्म से परिणाम मिल रहा है,
ये जब वो त्याग देता है तो फिर क्या होता है, संन्यासस्ते सुखम वशी, जब इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन को वश में कर लेता है, तब क्या होता है वो सुखम वशी, उसको सुख प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे नव द्वारे पूरे देही, ये जो शब्द है देही ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, शरीर के लिए। तो देह किसको बोलते हैं, देहात्म बुद्धि, ये शब्द आपने सुना है देहात्म बुद्धि, ये शब्द का मतलब क्या है, आत्मा जब अपने आप को देह से जोड़ लेता है उस प्रकार की बुद्धि उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। यहां पे क्या बोला है, नव द्वारे पूरे देही, मतलब आत्मा जो है वो नव द्वार रूपी नगर में कैद कर दिया गया है। ये देही शब्द प्रयोग किया गया आत्मा के लिए, जीव के लिए, और देह मतलब होता है ये शरीर, ये जो जड़ शरीर आप देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, नव द्वार, क्योंकि शरीर नौ द्वार से बना है। इसमें बताया नौ, दो आँख हैं, दो कान हैं, दो नथुने हैं, एक मुख है, गुदा है, उपस्थ है। तो पूर समझते हैं आप लोग, पूर नगर, जैसे पीथमपुर है ना, सलकनपुर, और क्या है मजलपुर गांव है, माजलपुर, तो ऐसे पूर का मतलब क्या होता है, गांव। तो आत्मा भी एक गांव के अंदर कैद कर दिया गया, वो गांव का नाम क्या है, आत्मा जो है एक गांव के अंदर कैद कर दिया गया, उस गांव का नाम क्या है, नवद्वारपुर। शब्द आया ना नवद्वारे पूरे देही, कि आत्मा देही को नौ द्वार रूपी नगर में कैद कर दिया गया। अभी हम यहाँ पे कैद हो गए इस शरीर के अंदर, तो जब आत्मा की अगर वास्तविक परिस्थिति देखें तो आत्मा क्या है, देही क्या है, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, आध्यात्मिक वो चित्कण है, उसके अंदर कोई भी प्रकार की भौतिक कलमश नहीं है, आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है। लेकिन जब आत्मा इस भौतिक जगत के अंदर, इस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब उसके अंदर सारी विकृतियाँ चालू हो जाती है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ममेय वामशो जीवलोके, कि जितने भी जीवात्मा है ये क्या है, मेरे अंश है। तो वो किसको बोल रहे हैं, शरीर को बोल रहे हैं, आत्मा को बोल रहे हैं, वो आत्मा को इंगित कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ममेय वामशो, कि सारे जीवात्मा मेरे अंश है। तो आत्मा जो है भगवान का अंश है, लेकिन जो गुण भगवान के अंदर है वो आत्मा के अंदर भी है। लेकिन जब वो आत्मा इस भौतिक दुनिया में, इस शरीर के अंदर आता है, तो जो आध्यात्मिक चेतना जो आत्मा की होती है, जो गुण होते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये स्मरण नहीं रहता कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए या मुझे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ये सब हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमको कैद कर दिया गया है इस शरीर के अंदर। और क्यों कैद कर दिया गया है हमको, क्या कारण है, ये नव द्वार रूपी शरीर में क्यों बंद कर दिया गया जीवात्मा को, क्योंकि हम यानी कि जीव जब भगवान के धाम में था, तो भगवान के धाम में जब वो भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, तो ईर्ष्या करके भगवान ने कहा कि ठीक है आप वहाँ पे जाइए, तो हमको यहाँ भेजा गया और इस नौ द्वार रूपी शरीर के अंदर डाल दिया गया। अभी ये जो नौ द्वार हैं शरीर के, ये अच्छे हैं शरीर में, कितनी गंदगी है ना इसमें। जैसे आप देखते होंगे रात में जब हम सोते हैं, तो उठने के बाद हमारी आँख में कचरा लग जाता है, कितना गंदा लगता है, भद्दा लगता है, इधर आँख में कचरा जम जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसकी नाक से जब नोज़ी निकलती है तो अच्छा लगता है, घिन आती है ना हमको, ठीक है। अब कान के अंदर जब मैल होता है, जब कोई देखता है कान के अंदर मैल है, कितना चीड़ चढ़ती है हमको। तो ऐसे पूरे शरीर के अंदर गुदा में भी मल है, उपस्थ में भी मल है, तो पूरे नौ द्वार के अंदर मल भरा हुआ है।
और ये नौ द्वार रूपी नगर को व्यक्ति इतना सुंदर मानता है, उससे आकर्षित हो जाता है इस गंदे स्थान से, जबकि उसके अंदर कचरा भरा हुआ है और उस कचरे से हम आकर्षित हो जाते हैं। एक स्त्री पुरुष आकर्षित होती है और एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित होता है। ये नौ द्वार इतने गंदे कचरा के जगह है फिर भी। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं जो हमें समझनी है कि नौ द्वार नगर जो है ये गंदा है, लेकिन जितनी मात्रा में हम इस नौ द्वार के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं, बुद्धि को शुद्ध करते हैं, उतने ही ज़्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ हम देख पाते हैं इस भौतिक जगत के अंदर। जो एकदम सूक्ष्म चीज़ है जो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है वो भी हमें दिखाई देने लगती है। कब दिखाई देने लगती है? जब ये कचरा साफ होता है। तो ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें हैं जो आप नहीं देख सकते। अभी ये जो नौ द्वार रूपी नगर हैं इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा क्या है नौ द्वार रूपी ये जो नगर है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये हमें भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके हमें इस जगत से मुक्त करा सकता है। ये नौ द्वार रूपी नगर, यहाँ से हम छूट सकते हैं, ये एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। तो दूसरी तरफ उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब हम यहाँ पे आए, इस नगर में हमको कैद कर दिया गया, तो हमको कष्ट भी मिलने लग गए। जैसे ही आत्मा इस शरीर के अंदर कैद कर दिया गया, वैसे तुरंत उसके साथ कष्ट आना चालू हो गए। अब आप कहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो मैंने पिछले प्रवचन में बताया था कि कैसे आत्मा एक माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वहां से उसका दुख चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर आने के बाद दुख मिलता है, पेट के अंदर गर्भ से उसको दुख मिलना चालू हो जाता है। तो भगवान बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत बड़े दुख हैं। ठीक है, हम मानते हैं, भगवद गीता में लिखा है, लेकिन अभी समस्या ये है कि ये जो शरीर है इसका एक डिफेक्ट, इसकी एक अपूर्णता क्या क्या है शरीर की, ये नौ द्वार रूपी नगर की अपूर्णता क्या है? तो पहली अपूर्णता क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए, इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, भ्रम करते हैं, हमसे भ्रम हो जाता है कई बार। और तीसरा, गलती करना, मिस्टेक, बहुत लोग गलती करते हैं। और चौथा है चीटिंग करना, दूसरे को धोखा देना। ये चार त्रुटियां हैं इस शरीर के। अभी जैसे एक एक उदाहरण ले, तो पहला मैंने क्या बताया, इंद्रियां अपूर्ण है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं मैंने मेरी अपनी खुद की आंखों से देखा, हमें इतना विश्वास होता है अपने इस शरीर के ऊपर, लेकिन वैसा होता नहीं है जैसा हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी कभी गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर से हमें दूर पानी दिखाई देता है, आंखों से ही देख रहे हैं हम, तो क्या वहां पर पानी है? है कि नहीं? नहीं है कि है? नहीं है, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, गाड़ी के अंदर से वहां दूर पानी दिखाई देता है, तो क्या है? इंद्रियां अपूर्ण है आपकी, जो चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो आपको धोखा दे रही है, वही चीज। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये आंखों से मैंने कितनी गवाहियां दी हैं कोर्ट में, कितने लोग के सामने साक्षी बना हूं, ये आंख धोखा नहीं दे सकती कभी। लेकिन इंद्रियां अपूर्ण है, कोई भी इंद्रियां आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन जब करते हैं, तो
तो कभी कभी ऐसे आहार होते हैं जैसे कि आपने मिठाई खाई और मिठाई खाने के बाद तुरंत कुछ खट्टा खाया तो बहुत खट्टा लगेगा आपको, अति से ज़्यादा खट्टा लगेगा, क्यों, जबकि वो खट्टा नहीं है। तो क्या है, इंद्रियां धोखा दे रही है, अपूर्ण है। उसी प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, अभी चींटी भी तो बात कर रही है, क्या वो सुनाई दे रहा है हमको? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीड़े होंगे जो आपस में बात, मच्छर का गीत सुनाई दे रहा है भाई, वो लोग भी तो पार्टी कर रहे होंगे ना, वो भी गीतकार, क्या वो सुनाई दे रहा है हमको? तो क्या है, इंद्रियां अपूर्ण है। कोई भी इंद्रियां आप ले लीजिए, जितना हमें अपने आप की इंद्रियों पे भरोसा होता है वही हमें धोखा दे देती है, इसलिए कभी भी हमारी इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैंने पहले ही बताया इसका फायदा क्या है, कि भगवान की भक्ति करके, सेवा करके हम इस भौतिक दुनिया से वापिस भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके नुकसान भी। फिर दूसरा मैंने बताया भ्रम, भ्रम हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है और उसके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, तो आप अरे अरे क्या बढ़िया नहा धो के आया है, ये तो साबुन लगा के आया है, क्या पता दो दिन से नहीं नहाया हो, स्प्रे मार के आया हो, आपको कैसे पता? बगल में जो बैठा है खुशबू आ रही है, जरूरी नहीं हो नहा के आया हो, दो दिन से नहाया नहीं हो तो स्प्रे मार के आ गया, तो भ्रम, हमने ऐसा भ्रम कर लिया कि हाँ ऐसा होगा लेकिन गलत हो गया वो। तो इसीलिए जो भी हम अनुमान भी करते हैं हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से जो हम सोचते भी हैं वो गलत हो जाता है। फिर दूसरा है त्रुटि करना, गलतियां तो बहुत होती, इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जीव से जीव, गलती करना जीव का स्वभाव है, गलती तो होती है। तो एक बार न्यूटन का नाम सुना है, सर आइज़क न्यूटन, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो एक बार न्यूटन ने क्या किया कि बिल्ली थी, और बिल्ली को उन्होंने सोचा कि बाहर आने जाने के लिए एक छेद बना देते हैं बड़ा, तो उन्होंने एक बड़ा छेद बनाया, उसमें से बिल्ली जो है अंदर बाहर आ सकती थी। फिर उन्होंने सोचा एक और बिल्ली लेके आता हूँ, छोटी वाली, तो लेके आए छोटी बिल्ली, तो ये आपस में साथ ही रहेंगे तो अच्छा है। फिर उन्होंने सोचा ये छोटी बिल्ली को बाहर निकालने के लिए एक छोटा छेद बनाएंगे जिसमें से वो निकल जाए। तो एक दिन वो अपना काम कर रहे थे और काम करते करते उन्होंने देखा एक चीज़ कि वो छोटी बिल्ली भी उसमें से जा रही है, बड़ी बिल्ली भी उसमें से जा रही है, तो मैंने बनाया क्यों ये छोटा छेद मैंने किस लिए बनाया, जब दोनों ही बिल्ली एक ही छेद में से जा रही है, बड़ी वाली भी उसमें से जा रही है छोटी वाली भी, तो मेरी ये बेवकूफ़ी थी, मूर्खता थी कि मैंने एक छोटा छेद बनाया। सोचिए न्यूटन विश्व का जिसने अपनी ब्रेन का, अपनी बुद्धि का 6% उपयोग किया है, उसने भी गलती की, 6% उपयोग किया है बुद्धि का। तो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, इंद्रियों पे, बुद्धि पे घमंड नहीं होना चाहिए, वो धोखा देती है, कभी भी धोखा दे सकती है। उसी प्रकार से धोखा देना तो आम बात है, वो तो आपके दैनिक जीवन में देख सकते हैं, उसके लिए मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितने स्तर पे क्या धोखा करता है, वो तो सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है, ये दुख, ये इसके डिफेक्ट हैं। अभी जब हमने यहाँ पे शरीर लिया, भगवान ने जब हमको आत्मा को इस शरीर के अंदर कैद कर दिया, तो इसके साथ कुछ कंडीशन लगा दी, शर्तें लागू कर दी। वो शर्तें क्या है, 3 प्रकार के कष्ट मिलेंगे आपको इस शरीर के साथ, वो हमेशा रहेंगे, चाहे भक्त है अभक्त है, भजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कष्ट आपको हमेशा मिलेंगे। पहला है आध्यात्मिक, मतलब शरीर और मन से मिला हुआ कष्ट। जैसे मन से हम सोच सकते हैं कि दोनों तो बिजनेस तो साथ में ही कर रहे थे, उसने बंगला कैसे बना दिया,
दोनों ने हमने तो साथ में पढ़ाई लिखाई की थी, वो इतना आगे कैसे चला गया। ये सोच सोच के हम मन के अंदर विचार करके, दूसरों का विचार करके खुद परेशान हो रहे। कभी कभी अगर आपका हार्ट टूट जाए गलती से, तो किसकी गलती है? शरीर की गलती है, आपका ही शरीर है, आपका हार्ट टूट गया। तो कहने का मतलब है आध्यात्मिक कष्ट जो शरीर और मन से मिलने वाले, उसमें भी मानसिक जो कष्ट देते हैं, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, अलग अलग स्तर पे आपको कष्ट दिए जाते हैं। जो राजनेता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, कर आज इतना सारा टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ पे महंगाई है, ये क्या है? पीड़ा है, ये कष्ट है। उसी प्रकार से जब आप भक्ति करते हैं, सबसे पहले परिवार वाले डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। वैसे तो सब ठीक थे, सब बढ़िया थे, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में ये माला आ जाती है, अरे ये क्या हो गया आपको, ये क्या, ये कौन सा नया चीज़ चालू कर रहे हैं, चल रहा किसको साइड में, ये क्या नई चीज़ ले आए, वो तो ऐसे मतलब घबरा देते हैं बेचारे को, जैसे घर के अंदर कोई टाइम बम लेके आ गया, ये फटने वाला है अभी। अरे भगवद्गीता आ गई तेरे हाथ में। परिवार का कष्ट, समाज का कष्ट। तो जैसे ही कोई जीवात्मा, ये एक भारत के अंदर ये बहुत बड़ी अवगणना है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। कोई व्यक्ति इस भौतिक दुनिया से भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान की सेवा करके, उसकी टांग खींचते हैं लोग, ये देखा गया भारत के अंदर, आगे नहीं जाने देते उसको भक्ति में। भाई एक आदमी भगवत धाम चला जाएगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी, इधर रहो हमारे साथ, क्या करना है उधर जाके, कम से कम दूसरों की टांग मत खींचिए, जो भक्ति कर रहा है उसको अच्छे से करने दीजिए। लेकिन वहाँ भी लोग, ये भी कष्ट है एक प्रकार का। तो बेचारा वो नया नया है, अच्छा ठीक है माला नहीं करेंगे, अब रख देते हैं। ऊपर से दादाजी होते हैं घर में, वो तो बड़े ही ज्ञानवान होते हैं, अब दादाजी कहते हैं ये कोई उम्र है आपकी माला करने की, बूढ़े होते हो तब, अबे खुद तो 75 साल के हो गए, अब मैं बूढ़ा होगा कि नहीं इसकी गारंटी कौन लेंगे, आप देंगे इसकी गारंटी? तो कष्ट, और व्यक्ति को मानसिक कष्ट मिलता है तो भक्ति छोड़ देता है। वो चाहता है भगवान की सेवा, इस नव द्वार रूपी नगर के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन व्यवधान उत्पन्न करते हैं लोग, समाज वाले प्रेशर डालते हैं। बड़ा भगत बन रहा है, बहुत बड़ा टीका लगा दिया भाई, बड़े भगत हो, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते, मतलब उनको भक्ति करना पसंद नहीं है। ऐसे बहुत अलग अलग उदाहरण हैं, वो हम विस्तार में नहीं जाएंगे। कष्ट मिलते ही रहते हैं हमको, लेकिन वो कष्ट आएंगे। आप भक्ति में कितने भी उन्नत हो जाइए, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको सताएंगे, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, आपको आपका काम करते रहना है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये भक्ति वक्ति करते हैं, तो बोलते थोड़ा बिजनेस करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो आप उनको एक चीज़ पूछिए, एक प्रश्न का उत्तर आप उनसे प्राप्त कीजिए, क्या आप मृत्यु से मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप बचाएंगे मुझे मेरे मृत्यु के समय? बस ये एक प्रश्न पूछिए उनसे। मैं आज अभी इसी वक्त ये माला छोड़ देता हूँ, चोटी काट लेता हूँ और ये भगवद्गीता बंद करके साइड में रख देता हूँ, 24 घंटा में बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, बस इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप मृत्यु के समय मुझे बचा सकते हैं, इसकी गारंटी है आपके पास? पूछिए उनको ये प्रश्न, जो इस प्रकार से आपको परेशान करते हैं, विचलित करते हैं, चाहे वो पिता हो, कोई भी हो, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रश्न जरा पूछिए, नहीं उत्तर दे पाएंगे, उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तो आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़िए, दृढ़ता से आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान भक्त के साथ है। तो फिर तीसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब मनुष्य के द्वारा या दूसरे जीव जंतु के द्वारा दिया हुआ कष्ट। मनुष्य के द्वारा मतलब कभी लड़ाई होती है आपस में, हाथापाई होती है, कभी मच्छर काटते हैं,
कीड़े काटते हमको, तो ये क्या है, जीव जंतु और मनुष्य द्वारा मिलने वाले कष्ट, इसको बोलते हैं आदि भौतिक कष्ट। इससे कभी बच नहीं सकते आप सोचें कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकते आप। तीसरा है आदि दैविक कष्ट। आदि दैविक का मतलब है जो देवी देवता द्वारा आपको कष्ट दिए जाते हैं, ये जो भूकंप आना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, कहीं पे अकाल पड़ गया, फसल लगाई लेकिन उगी नहीं, सब नुकसान में चला गया, लॉस हो गया, धान लगाई लेकिन पता चला उगी नहीं, फसल ही नहीं आई, ये क्या है, आदि दैविक कष्ट कभी भी आ सकते हैं। तो ये कष्ट तो आएंगे, लेकिन इस कष्ट के द्वारा हमें एक चीज करनी है। तो एक अभी हम फंस तो गए हैं, इस नगर में फंस गए हैं, अभी यहाँ से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलेंगे, मास्टर प्लान क्या है, जैसे घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मास्टर प्लान होता है, क्या है मास्टर प्लान, तो मास्टर प्लान ये भगवद गीता में है। अभी भक्ति देवी जो है कलयुग के अंदर महान शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करती है, वही नौ द्वार रूपी नगर के अंदर जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, भक्त हैं, उनके हृदय में भक्ति देवी वास करती है। बस उनके शरण को पकड़ लो, पकड़ लो वैष्णव को, उनके चरण को पकड़ लो, छोड़ो मत कभी भी, क्योंकि साक्षात भक्ति देवी स्वयं उनके हृदय में वास करती है। तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी ऐसे महान वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनका संग प्राप्त करो, सानिध्य प्राप्त करो, और भक्तों का संग और गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है, उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ये भगवद्गीता पढ़ सकते हैं कोई, सब कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवद्गीता को समझने के लिए गुरु और भक्त चाहिए जो हमें समझा सके। जैसे लोहा है, लोहे को अगर पानी में डाल दें तो नहीं तैर पाएगा, अगर उसको तैरना है तो लकड़ी के ऊपर उसको बैठना ही पड़ेगा। लकड़ी रूपी नाव जब बनेगी, उसके ऊपर लोहे को बिठाया जाएगा, तभी वो तैर के जा सकता है। भले ही लकड़ी हल्की है, लेकिन लोहे को सहारा लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हम कितने ही ज्ञानवान हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, हमको बहुत ज्ञान हो सकता है शास्त्र का, लेकिन अगर हमें इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलना है, इस नगर से बाहर निकलना है जो नौ द्वार के अंदर फंसे हुए, तो हमें किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, जो कि गुरु है। अभी प्रश्न ये है कि ऐसे प्रामाणिक गुरु मिलते कहाँ हैं। भाई गुरु तो बहुत है, और सब बोलते हैं मेरे पास आ जाओ, वो गुरु बोलता है मेरे पास आ जाओ, सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे, और ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को बोलते हैं भाई भगवद गीता मत पढ़ना, मैं जो बोल रहा हूं पुस्तक दिया वो पढ़ो, ऐसे भी गुरु हैं। भाई भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर इस जगत से बाहर कैसे निकल पाएंगे। एक चेला है, बोलता है मेरे गुरुजी 12 साल से मौन बैठे हुए। अरे भाई 12 साल से बैठे इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत है, कम से कम बोलते तो कुछ शिक्षा मिलती तुमको, वो कुछ बोल नहीं रहे इसलिए यही हालत है 12 साल से, अच्छा है मौन है। तो शिक्षा वास्तव में ज्ञान, इस ज्ञान के अभाव की वजह से हम इस भ्रम में पड़ गए कि मैं ये देहात्मा, मतलब आत्मा ने देहात्मा से ये बुद्धि को विकसित कर लिया है कि मैं देहात्मा, देहात्मा बुद्धि विकसित हो गई। क्यों, कारण क्या है, अज्ञानता। जैसे मान लीजिए बरामदे के अंदर, घर के अंदर अंधार है, बहुत अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, और कोई जाता है रास्ते में, गुजरता है, तो वहाँ पे एक रस्सी पड़ी है, और जैसे ही वो रस्सी को देखता है वो डर जाता है, सांप है, सांप सांप, लेकिन जैसे ही तुरंत एक बटन डालता है वो पूरा भ्रम दूर हो गया, अरे तो रस्सी है। क्या किया उसने, केवल एक स्विच ऑन की, बस
प्रकाश आ गया, भ्रम दूर हो गया। उसी प्रकार से हमारे अंदर अज्ञानता है, बस केवल ज्ञान की एक स्विच दबानी, पूरा भ्रम दूर हो जाएगा। अभी हम अज्ञानता में हैं, इसीलिए ये सारे अलग अलग कष्ट हमको आते हैं और उस कष्ट को हम सही रूप से देख भी नहीं पाते, अज्ञानता। तो जो व्यक्ति भक्ति में बहुत ज़्यादा उन्नत होते हैं, बहुत भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं, उनको ये नौ द्वार रूपी नगर जो है कष्ट नहीं देता है, वो बाहर हो जाते हैं इस शरीर से। वो दिखता ऐसा है कि शरीर के अंदर है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए श्रीमद् भागवत के अंदर वित्रासुर की कथा आती है। वित्रासुर जो है वो असुर है और उनको पता है कि इंद्र के पास वज्र है, वो मुझे मारने वाला है, लेकिन ऐसी अवस्था में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए आप, परीक्षित महाराज को देखिए, उनको पता है 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आने वाला है, लेकिन भगवान की कथा सुनने में वो अपने आप को इतना मग्न कर दिए कि बस मुझे अब भगवान की कथा सुननी, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कितने विचित्र बात है, अद्भुत है ये। अगर यहाँ एक सांप आ जाए तो कितनी हड़कंप मचेगी, आप सोचिए जरा। वो उनको पता है 7 दिन में आने वाला है, लेकिन बस कथा सुननी है मुझे ध्यानपूर्वक। अगर यहाँ बोल दिया जाए तो सोचेंगे प्रभु जी के मारने की इच्छा है सबको, मरवाना चाहते हैं हमको सांप से, डस जाएगा सांप। कितना लगाव है ना शरीर से, ये है अज्ञानता। और जब तक हमारे अंदर ये उत्कंठा, ये तीव्रता और ये लालच नहीं होगी भगवान के लिए, भगवान की कथा सुनने में, तब तक हम ये देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस नगर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नगर में ही घूमते रहेंगे, जैसे वो भूल भुलैया होता है, इधर से जाओ तो उधर निकलो, उधर से घूम के आओ वापिस वहीं आ जाओ, वहाँ से आ जाओ इधर घूम, क्यों? भ्रम, अज्ञानता। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है, जिसने शास्त्र की वाणी को साक्षात्कार कर लिया है, वो बता सकते हैं कि आप ये रास्ता पकड़ो और ये रास्ते से आप बाहर निकल जाओ। इतना सरल मार्ग है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो कर्ता भाव है कि मैं करता हूँ, ये अभिमान को छोड़ दो हर एक चीज़ में। तो वास्तव में जीवात्मा का एक दुर्गुण है दंभ करना। दंभ मतलब दिखावा, डबल रोल जिसको बोलते हैं। जो चीज़ हम है नहीं वो समाज में दिखाना चाहते हैं। हमें पता है हमारी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा हमें अपने आप को कुछ डबल दिखाना है। जो चीज़ मैं हूँ नहीं उसको दिखाने का क्या मतलब है? वो ऐसा होता है, कई बार आपने अनुभव किया होगा, कभी किसी की शादी होती है तो क्या होता है कि दोस्त की शादी में जाना है तो अभी कपड़े हैं नहीं, पैसे भी नहीं है, तो क्या करते हैं, दूसरे फ्रेंड से मांग के वो कपड़े पहन लेता है और शादी में जाके ऐसा दिखाता है ये मेरा ही कपड़ा है, भाई मैंने खरीदा है, भाई तेरा नहीं है, दोस्त से लिया हुआ है, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा है जैसे मेरा खुद का हो। कभी मांग लेगा दोस्त की गाड़ी और दिखाएगा ये गाड़ी मेरी है जैसे। तो क्या दंभ करना? तो जीवात्मा की स्थिति क्या है? अज्ञानता। ये सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन क्या करता है? मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानवान हूं। कोई भी भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, सब ये बोले मुझे ज्ञान है, मैं धार्मिक हूं। अरे भाई पहले सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, मैं धार्मिक हूं महाराज जी। धर्म का मतलब क्या है? आप पूछिए जरा उनको, धर्म मतलब क्या होता है? कभी कभी लोग बोलते हैं इस्कॉन भी एक धर्म है। किसने बोला इस्कॉन धर्म है? धर्म की व्याख्या किसको पता है, बताइए? धर्म किसे बोलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म,
धर्म की व्याख्या है क्या? है उत्तर किसी के पास, लेकिन दिखावा ऐसा करते बहुत बड़े ज्ञानी हैं। एक व्यक्ति आए थे मिलने मुझसे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पुराण से ये। मैंने पूछा आप धर्म की परिभाषा क्या, उसका उत्तर दीजिए बस। नहीं, मेरा मानना ऐसा है। अरे भाई, आपका मानना आपका ठीक है, आपके पास रखो, मैं क्यों मानूं आपकी बात? आपका मानना तो घर वाली भी नहीं मानती है, तो मैं क्यों मानूं? मेरा मानना मतलब ऐसा है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन एक निचले कैटेगरी के, उनके ऊपर भी कोई है। भाई आपके मानने से क्या होता है? धर्म की परिभाषा मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्या मानना है आपका? पूछे कोई भी व्यक्ति से पूछे, ये क्या दंभ, दिखावा, डबल रोल। ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन अपने आपको ऐसे दिखाएगा मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो ऐसे ही हमारी स्थिति भी ऐसे है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे अंदर अज्ञानता है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आप देखिए, कोई भी जीवात्मा स्वीकार नहीं करेगा कि मैं अज्ञानी हूं, सब अपने आप को बड़े ही ज्ञानी मानते हैं। और अभी अगर मैं यहां से उठूं और किसी को यहां बिठा दूं, बड़े बड़े प्रवचन दे सकते, मेरे से भी बड़े बड़े प्रवचन दे सकते, गारंटी है मुझे। भले वो शास्त्र नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर उसको यहाँ बिठाया जाए तो 10-15 मिनट तो आराम से बोल सकता है। लेकिन धर्म होता क्या है किसी को नहीं पता है। यहाँ पे सोचिए, धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है, और हम कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म बताइए। सनातन धर्म की जय हो। क्या है सनातन धर्म? किसे कहते हैं सनातन धर्म, पता है किसी को? आजकल के युवा लोग के अंदर ये बहुत चला है, सनातन धर्म को बचाना। लेकिन भाई सनातन धर्म है क्या, पहले वो तो जानो। खोखला ज्ञान है, दीमक लग चुकी है अंदर से, अंदर से ही दीमक लग गई है। तो बाहर से जो नुकसान है वो दिख जाता है, लेकिन जब अंदर ही अगर दीमक लग जाए तो आदमी को खोखला कर देती है। भारत में ही लोगों को पता नहीं है सनातन धर्म का मतलब क्या है, धर्म होता क्या है, और ऐसे लोग धर्म को बचाने जा रहे हैं जिनको धर्म की परिभाषा तक नहीं पता है, और ये लोग धर्म को बचाने वाले हैं, और ये लोग धर्म के ऊपर व्याख्या करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग, पूछिए जरा उनको, किसी ने कुछ सुना है सनातन धर्म के ऊपर? क्या कहते हैं सनातन धर्म, किसे कहते हैं, बताइए आप लोग, क्या समझ है आप लोगों की? बहुत मोबाइलों पे बहुत देखा होगा आपने, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सनातन धर्म को बचाओ, सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ये सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। किस चीज को भ्रष्ट कर रहे हैं? बताते हैं, ये भागवत कथा में नहीं बताएंगे आपको। धर्म मतलब कोई भी चीज का उसका वास्तविक मूल स्वभाव, उसको धर्म कहते हैं। कोई भी चीज जो है उसका वास्तविक मूल स्वभाव वो धर्म है। पानी का धर्म क्या है? तरलता, तो उसका स्वभाव। शक्कर है, शक्कर चीनी, उसका स्वभाव क्या है? मीठा, वो उसका धर्म है, उसको अलग नहीं कर सकते। है किसी के अंदर ताकत कि मिर्ची को मीठा बना दे, उगा के बता दे मीठी मिर्ची? नहीं अलग कर सकते आप, संभव ही नहीं। आप कोई ऐसा, किसी ने ऐसा सुना है कि चीनी को कड़वा बना दिया किसी ने, उसको धर्म कहते हैं। उसी प्रकार से जीव का धर्म है, स्वाभाविक मूल स्वभाव है सेवा करना। आप कहेंगे नहीं मैं तो बॉस हूं मेरी कंपनी में, तो बॉस हो तो सेवा तो कर रहे हो ना, एम्प्लॉय की सैलरी तो दे रहे हो उनको, वो भी सेवा हुई ना, आपकी वजह से उनके
घर बार पालन पोषण हो रहा है, बच्चे पल रहे हैं आपकी वजह से, तो नेता बोलता है नहीं मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, आपके ऊपर कितने सारे नागरिक जिम्मे भरोसे पर बैठे हैं, तो सेवा हो रही है देश की। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा आप ले लीजिए, कोई ऐसा जीवात्मा नहीं है जो बिना सेवा के बैठा हो। हाँ अभी प्रश्न ये है, तो फिर सेवा अगर जीवात्मा का स्वभाव है तो हम तो कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमको कष्ट आ रहे हैं अगर हम अपने स्वभाव में स्थित है। तो दो ही चीज है, या तो माया या फिर कृष्ण। अभी जीवात्मा माया की सेवा में लगा हुआ है अलग अलग तरह से, जबकि भगवान की सेवा, परम पिता परमेश्वर की सेवा छोड़ के, जिन्होंने हमको यहाँ पे भेजा उनको भूल के हम इधर सेवा में लगे हैं, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम दुखी हैं। ये समस्या का मूल कारण है। अब आपका प्रश्न हो सकता है सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। कौन सी चीज की बात हो रही है? ये भगवद गीता। आप बोलेंगे भगवद गीता तो 5000 साल पहले बोली थी, आदि हो गई ना उसका। लेकिन भगवद गीता के अंदर भगवान खुद चौथे अध्याय में क्या बोलते हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जो करोड़ों करोड़ साल पहले हो चुके। और उसके पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। तो इसका मतलब पहले वो नहीं था, पहले था, लेकिन हम इस ब्रह्मांड के अंदर हमको, क्योंकि हम हर एक चीज का एक आदि देखते हैं और एक अंत देखते हैं, इसलिए हमारे लिए भी ये शास्त्र एक आदि है और एक अंत है। ये अभी अभी साल चालू हुआ था, अभी ये खत्म हो गया, वो नहीं। सनातन धर्म मतलब जो चला आ रहा है सदियों से, जिसका कोई आरंभ नहीं है। अब आप लोगों की सनातन धर्म की समझ क्या है वो मुझे नहीं पता है। आप लोग किसको सनातन धर्म मानते हैं? तो धर्म इसको नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, वो एक पंथ है, वो धर्म नहीं है। इस्कॉन एक संस्था है, कोई धर्म नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन धर्म को मानते हैं, वो धर्म नहीं है, संस्था है जो कि सनातन धर्म का प्रचार करती है, ये पता होना चाहिए हमको। नहीं तो गलती से आप किसी को बोल देंगे हम इस्कॉन धर्म, ऐसे गलत प्रचार मत कीजिए दूसरों को, ये संस्था है इस्कॉन। तो वही प्रश्न वही है, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ लोगों को कि जो चीज़ है नहीं उसका हम दिखावा करते हैं, दंभ है। क्यों आप स्वीकार नहीं करते कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता? क्यों अपने आप को हम बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है शास्त्र का? कोई भी व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए, कभी वो स्वीकार नहीं करेगा महाराज मुझे नहीं आता, आप बताइए कृपा करके, 10 बात हमको और सुना देगा बदले में। तो अगर हम ये चीज़ स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तो फिर हमें एक गुरु चाहिए, एक माध्यम चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, भगवान और हमारे बीच में जिसको हम जोड़ सके। तो जोड़ने वाले कौन है? गुरु है, वो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध महान वैष्णव हैं। तो आप देखिए बड़े बड़े जो भक्त हैं वो कैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं, इस भाव से कि हमको कुछ नहीं आता, अब भगवान की कथा सुनाइए। हम देखते हैं कि विदुर जी गए, कहाँ गए थे पता है किसी को? विदुर जी कहाँ गए थे कथा सुनने? उद्धव जी के पास। अभी देखा जाए तो विदुर जी बड़े हैं और उद्धव जी छोटे हैं, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे कथा सुनाइए भगवान की। लेकिन उद्धव क्या बोलते हैं कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता, तो कृपया करके आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। इसलिए श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद आता है। परीक्षित महाराज का उदाहरण देखिए, उन्होंने इच्छा की और सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कथा की।
कोई भी आप श्रीमद् भागवत में उठा लीजिए संवाद, वहाँ पे केवल और केवल उपदेश मिल रहे हैं भक्तों को। तो ऐसे ही हमें भी उपदेश लेना चाहिए भक्तों से, मार्गदर्शन लेना चाहिए, ताकि वो हमें इस नौ द्वार रूपी जो नगर हैं यहाँ से बाहर निकाल सके, नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा मन। बहुत लोगों के मन स्थिर नहीं है, विचलित है, इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है। स्थिरता नहीं है, परेशान रहते हैं हमेशा, टेंशन में, तनाव में, चिंता में। लेकिन इस चिंता को, इस तनाव को, इस टेंशन को हम दूर कर सकते हैं, केवल आप भगवान का नाम लीजिए गंभीरता से, अच्छे से कीर्तन कीजिए। हम देखते हैं कि जब श्रीमद् भागवत महात्म्य में आता है कि जब वहाँ पे ऋषि लोग कथा करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। आप देखें कि भागवत कथा में भगवान जी उपस्थित होते हैं, सूद गोस्वामी और सौनक ऋषि वहाँ पे भी भगवान आते हैं, रोम हर्षण जब कथा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बलराम जी उपस्थित होते हैं। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है, तो क्या भगवान यहाँ पे भी उपस्थित है, दिख नहीं रहे हमको, यहाँ पे कथा हो रही है भगवान की, क्यों नहीं दिख रहे? कथा के अंदर केवल और केवल चार चीज है, इसके अतिरिक्त अगर वो कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, मनोकल्पना है, मनगढ़ंत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के गुण, ये चार चीज जब है तभी वो कथा है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ है तो फिर वो क्या है, मनगढ़ंत है। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पे भगवान उपस्थित है कि नहीं, हम कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान आ चुके हैं, दिख नहीं रहे हमको, भगवान यहां है। कैसे हैं भगवान यहां पे? क्योंकि हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि कोई व्यक्ति अगर भले ही वो इस नगर रूपी शरीर के अंदर कैद है, लेकिन केवल वो भगवान का नाम लेता है उससे उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए आपने वो सुना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उदरन ही भव पारा। तो इतना प्रभाव है, सोचिए नाम का। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान साक्षात यहाँ उपस्थित हो जाते हैं भक्त के सामने, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अभी उस स्तर पे गए नहीं हैं। हम भगवान का नाम लेते हैं अपराध के साथ, अलग अलग अपराध करते हैं नाम लेने में, इसलिए भगवान हमको दिखते नहीं है, लेकिन भगवान वहाँ उपस्थित है। तो भले कुभाव हो, अपराध हो, कुछ भी हो, लेकिन आप नाम लीजिए, वो प्रभाव जरूर दिखाएगा। वो विचार नहीं करेगा कि ये, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक लंबी इलेक्ट्रिक की वायर है और उस वायर को मैं बीच में से काट दूँ और एक 5 साल का बच्चा आके उसको पकड़ता है तो उसको करंट लगेगा? लगेगा, कम लगेगा ना, क्योंकि 5 साल का बच्चा है। अभी वही वायर को 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति आके छुएगा, उसको ज़्यादा करंट लगेगा, क्योंकि करंट सोचेगा रे तो ये तो बूढ़ा है, इसको पता नहीं है, इसलिए इसको करंट ज़्यादा मारेंगे, डबल झटका देंगे। नहीं, उतना ही करंट 5 साल के बच्चे को लगेगा और उतना ही 80 साल के बूढ़े को। उसी प्रकार से कोई अज्ञानी है, मूर्ख है, जिसको समझ है नहीं है, लेकिन आप कृष्ण का नाम लीजिए, वो प्रभाव जरूर दिखाएगा आपके ऊपर। वो विचार नहीं करेगा कि कुभाव से, केवल हमें क्या करना है, नाम लेना है बस भगवान का। तो जब हम भगवान का नाम लेता है तो भगवान, शास्त्र में वर्णन है कि भगवान उस भक्त की जीवा पे आके नृत्य करते हैं। तो जैसे जेल के अंदर जब हम जाते हैं, कैद कर दिया जाता है, तो वहां पे बाहर निकलने के लिए सजा देती ना कि आप चक्की चलाइए, पत्थर तोड़िए, तो इतने इतने समय में आप बाहर निकल जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे लिए इस जगत से बाहर निकल के लिए भगवान ने क्या बोला है, आप नाम कीर्तन कीजिए, संकीर्तन कीजिए। अगर आप नाम कीर्तन, नाम जप करेंगे तो आप दुनिया से बाहर निकल जाएंगे।
तो ये अंतर है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें मूर्ख बनना पड़ेगा, अज्ञानी बनना पड़ेगा। ये हमें समझ लानी होगी कि मुझे कुछ नहीं आता है। वास्तव में जब हम विनम्र होंगे, सीखने के भाव से जाएंगे, तो हमें उपदेश मिलेंगे, तब हमें कोई हमें सिखाएंगे। अगर नहीं है, केवल हम अपने ही ज्ञान में मस्त हैं कि मुझे सब आता है, तो फिर वो उपदेश नहीं आएंगे आपके पास, कोई आपको ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि आप पहले से ज्ञानी हैं, आप बड़े विद्वान हैं, इसलिए आपको ज्ञान कोई क्यों देगा आपको ज्ञान, जरूरत ही नहीं है आपको। तो भगवद्गीता पढ़ना है भक्तों के माध्यम से, समझनी है भक्तों के द्वारा। और भक्ति जो है, मैंने सार रूप में बताया कि साक्षात वैष्णव के हृदय में वास करती है, इसलिए वैष्णव के चरण को पकड़ लो, बस हमारा उद्धार हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो समय को देखते हुए यहाँ पे अभी हम विराम करते हैं। तो आशा है कि आपको सार समझ में आया होगा कि नौ द्वार रूपी जो नगर है, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, और इसके क्या क्या दुर्गुण है वो भी मैंने बताया, और फायदा क्या है वो भी बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।